इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इस वीडियो में मैं React Context API को इतना ईजी बनाने वाला हूँ। हम इसमें React Context API की प्रॉब्लम को समझेंगे, हम इसमें React Context API को बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक समझेंगे, एंड वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल यूजिंग React Context API। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पीयूष एंड वेलकम टू कंप्लीट React 18 सीरीज। और इस वीडियो में हम बात करेंगे React Context API के बारे में, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो React Context API सॉल्व करने का ट्राई कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि Context API किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ओके तो क्या है, सपोज आपने एक React का ऐप बनाया, ओके और आपके पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कंपोनेंट ए बी सी एंड डी बनाया है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, कंपोनेंट ए के अंदर हम बी को रेंडर कर रहे हैं, बी के अंदर सी को, और सी के अंदर हम डी को रेंडर कर रहे हैं। अब लेट्स से आपके पास एक स्टेट है, राइट, आपके पास एक स्टेट है जिसकी लेट्स से उसमें की है वैल्यू 1 है और एक सेट काउंट नाम का फंक्शन है, और वो कहाँ पर है, आपका कॉम्पोनेंट ए में है। अब आपको ये जो स्टेट की वैल्यू है ये आपको कॉम्पोनेंट डी में चाहिए। ओके ध्यान से समझते हैं, आपके पास जो ये स्टेट है ना ये कॉम्पोनेंट ए के अंदर पड़ा है और आपको ये वाली जो स्टेट है ये आपको कॉम्पोनेंट डी के अंदर एक्सेस करना है। तो आप कैसे करोगे, तो पहला तरीका आपके पास क्या है कि आप इस स्टेट को प्रॉप्स के थ्रू कॉम्पोनेंट बी को दोगे, कॉम्पोनेंट बी इस स्टेट को प्रॉप्स के थ्रू कॉम्पोनेंट सी को देगा, एंड अल्टीमेटली कॉम्पोनेंट सी जो है वो कॉम्पोनेंट डी को पास कर देगा, राइट। सो दिस वॉज वन वे कि हम अपनी स्टेट को ड्रिल डाउन कर सकते हैं थ्रू प्रॉप्स। ओके लेकिन रिएक्ट में ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है, ये बहुत ही बैड पैटर्न है, इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। ओके और ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, लेट से कल को आपको ये जो बी कंपोनेंट है ये कहीं और रेंडर करना हो आपको, ओके या फिर आपको ये कंपोनेंट डी यहाँ पर रेंडर नहीं करके किसी और कंपोनेंट के अंदर रेंडर करना है, तो उस चीज़ को करने के लिए आपको अपने कंपोनेंट ट्री को पूरा चेंज करना पड़ेगा, विच इज़ अ बैड प्रैक्टिस। ओके तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो देखते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेगा। तो अभी हमें ये प्रॉब्लम समझ आ चुकी है कि हमारे पास एक स्टेट है, कि हमारे पास ये जो स्टेट है ये पहले कंपोनेंट ए के पास था, राइट, और कंपोनेंट डी को एक्सेस करने के लिए प्रॉप ड्रिलिंग करना पड़ रहा था। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हम इस स्टेट को कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखते हैं, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने स्टेट को रख दिया। तो अब क्या हो रहा है, कंपोनेंट ए भी उसको एक्सेस कर पा रहा है, कंपोनेंट डी भी उसको एक्सेस कर पा रहा है विदाउट एनी प्रॉप ड्रिलिंग, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो स्टेट पहले कंपोनेंट ए के पास थी और हम उसको ड्रिल डाउन करके कंपोनेंट डी के पास लेके जा रहे थे, अब हमने उस स्टेट को शिफ्ट कर दिया कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो अब कंपोनेंट ए वहाँ से स्टेट को रीड भी कर सकता है और वहाँ से ही स्टेट को चेंज भी कर सकता है, ओके। एंड सेम कंपोनेंट डी भी अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर से ही स्टेट को रीड करेगा और कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही स्टेट को राइट करेगा, ओके और इसका बेनिफिट क्या है कि अब हमारे पास किसी भी तरह की प्रॉप ड्रिलिंग नहीं हो रही है। तो कल को ये कंपोनेंट जो डी है इसको मैं कहीं पर भी रेंडर कर सकता हूँ अपने कंपोनेंट ट्री में, ये अपने आप उस स्टेट को फेच कर लेगा बिकॉज अब वो कंपोनेंट ए पे डिपेंडेंट नहीं है स्टेट के लिए, ओके। एंड इसमें क्या होता है, जैसे ही कंपोनेंट ए इस स्टेट को चेंज करेगा कंपोनेंट डी भी रीरेंडर हो जाएगा, ओके। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि अगर कंपोनेंट ए ने स्टेट को चेंज किया तो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट डी भी खुद को रीरेंडर कर लेगा बिकॉज कंपोनेंट डी को भी रीरेंडर होना है विद द रिफ्रेश डेटा। तो इसका क्या मतलब है, जब भी हमारे कॉन्टेक्स्ट में स्टेट चेंज होती है जो जो भी कंपोनेंट्स उसको रीड कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है वो अपने आप को रीरेंडर कर लेते हैं न्यू वैल्यूज के साथ। तो इससे क्या होता है, हमारी स्टेट मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाती है रिएक्ट में, ओके। और अगर हमने इन कंपोनेंट्स को इस कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस देना है तो रिएक्ट क्या कहती है कि आपको अपने कंपोनेंट्स को इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर रैप करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमने क्या किया, अगर हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया और हमने इस पूरे सारे कंपोनेंट्स को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर रैप किया, राइट, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये कंपोनेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। तो जिन जिन कंपोनेंट्स को हमने इस कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस देना है हमें उन उन कंपोनेंट्स को इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर रैप करना होता है। तो अब क्या है, अब कंपोनेंट ए बी सी डी सभी कंपोनेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर रैप्ड है, करेक्ट। तो अब ये सारे कंपोनेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट की वैल्यूज को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। अब हम इसको कोड में समझते हैं कि हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा व्हाट आर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ओके। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रिएक्ट का ऐप बनाया, बिल्कुल बेसिक एम्प्टी रिएक्ट ऐप जिसमें मैंने बस ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई लिखा हुआ स्क्रीन पे, एंड यहाँ पर हमारी आउटपुट आ रही है, ओके। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं, एक काउंटर ऐप का, ओके। तो हम क्या करेंगे,
हम एक काउंटर स्टेट बनाएंगे जो हमारी कॉन्टेक्स्ट के अंदर होगी, और हम चार डिफरेंट कंपोनेंट्स को रेंडर करेंगे और सभी कंपोनेंट्स उस काउंट की वैल्यू को या तो इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे। ओके, तो इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले src के अंदर एक फोल्डर बनाऊँगा कंपोनेंट्स। ओके, तो इसमें हम एक काम करते हैं, एक काउंटर कंपोनेंट लेते हैं, counter.jsx, करेक्ट। और इस कंपोनेंट के अंदर आई विल डू इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, एंड देन आई विल से दिस इज़ माय काउंटर कंपोनेंट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसके अंदर रिटर्न क्या करेंगे, एक डिव रिटर्न करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक बटन होगा जो इंक्रीमेंट करने के काम करेगा, इंक्रीमेंट। ओके, एंड हमारे पास एक और बटन होगा जो क्या करेगा, डिक्रीमेंट करने का काम करेगा, डिक्रीमेंट। ओके, तो इंक्रीमेंट बटन काउंट को 1 से प्लस करने का काम करेगा, और जो डिक्रीमेंट है वो काउंट को 1 से माइनस करने का काम करेगा। ओके, और क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर। ओके, तो मैंने क्या किया, एक काउंटर कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर एक इंक्रीमेंट है और एक डिक्रीमेंट है, करेक्ट। और मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं यहाँ पर H1 के अंदर आई विल से काउंट इज, अभी के लिए 0 लिख देते हैं। ओके, काउंट इज 0। और मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा काउंटर, अपना काउंटर कंपोनेंट फ्रॉम कंपोनेंट्स काउंटर। और मैं क्या करने वाला हूँ, इस काउंटर को यहाँ पर रेंडर करूँगा 4 times, तो 1, 2, 3, 4। तो अभी मेरे पास क्या है, आई हैव 4 डिफरेंट बटन्स, ठीक है। ये मेरे पास 4 कॉम्पोनेंट्स हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो मुझे क्या करना है, अगर कोई भी कॉम्पोनेंट इंक्रीमेंट पे क्लिक करता है, ओके, कोई भी कॉम्पोनेंट इंक्रीमेंट पे क्लिक करता है तो ये काउंट इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, और अगर कोई भी कॉम्पोनेंट इस पर डिक्रीमेंट पे क्लिक करता है तो इसको डिक्रीमेंट हो जाना चाहिए। तो अब हमने क्या किया, हमने 4 बटन्स को रेंडर किया है, ओके, और ये बटन्स अपना डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर चेंज करेंगे और कॉन्टेक्स्ट के अंदर से ही अपने डेटा को रीड करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट बनाने की तरफ। तो कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक और फोल्डर बना लेते हैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो जितने भी हमारे कॉन्टेक्स्ट होंगे वो हम इसके अंदर रखेंगे। ओके, कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा counter.jsx, ठीक है, बिकॉज ये मेरा क्या है, काउंटर कॉन्टेक्स्ट है, तो counter.jsx। ओके, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हम अपना कॉन्टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इम्पोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे रिएक्ट में से क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेथड को, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम अपना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐसे कॉन्स्ट काउंटर कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने क्या किया, एक कॉन्टेक्स्ट बनाया है काउंटर कॉन्टेक्स्ट, ओके। और इस काउंटर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, जैसे हम यूज स्टेट के अंदर अपनी डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम अपनी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसके अंदर नल रख देता हूँ, ठीक है। तो इसके डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ से क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, राइट। तो मैंने क्या किया, इस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट किया, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रोवाइडर बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने क्या करना है, हमने कॉन्टेक्स्ट को बना लिया, अब हमें इस कॉन्टेक्स्ट के लिए एक प्रोवाइडर बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर मैं इस पूरे को रैप कर सकूँ, ताकि मेरे हर एक कॉम्पोनेंट को वो स्टेट का एक्सेस मिल जाए, ठीक है। वो हम कैसे करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन, ओके, कॉन्स्ट, इसका हम नाम दे देते हैं काउंटर प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक प्रोवाइडर बनाया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे काउंटर कॉन्टेक्स्ट, ओके, काउंटर कॉन्टेक्स्ट डॉट, जैसे मैं यहाँ पर डाल लूँगा आपको दिख रहा है यहाँ पर एक प्रोवाइडर है, राइट। तो मैंने क्या किया, इस प्रोवाइडर को यहाँ पर रेंडर किया। ये बेसिकली क्या करेगा, सपोज़ मेरे पास यहाँ पर एक H1 टैग है, सपोज़ आई हैव H1 टैग हियर सेइंग ओके। तो ये जो H1 है ना, ये भी तो एक कॉम्पोनेंट है, तो मैंने क्या किया, इस H1 टैग को इस पूरे प्रोवाइडर के अंदर क्या कर दिया, रैप कर दिया, करेक्ट। बट ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे H1 को तो रैप नहीं करना है, मुझे अपने ये जो पूरे कॉम्पोनेंट्स है इसको रैप करना है। तो इसको रैप कैसे करेंगे, मैं क्या करूँगा, आई विल से कि ये जो प्रॉप्स है ना, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन को हम इसमें रैप कर देंगे, कि जो भी इसके अंदर हम चीज़ें रेंडर करेंगे वो हम उनको रैप कर देंगे प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। अब क्या होगा, समझते हैं इस चीज़ को, मैं अपने index.js में जाऊँगा, ओके, आई मीन index.js। इसमें सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, अपने उस प्रोवाइडर को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लूँगा, context/counter, एंड आई विल इम्पोर्ट माई काउंटर प्रोवाइडर है। तो मैंने क्या किया, अपने काउंटर प्रोवाइडर को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, काउंटर प्रोवाइडर को यहाँ पर रेंडर कर दूँगा इस तरह से। तो सी, अब क्या हो रहा है,
जब मैंने इस लाइन को लिखा काउंटर प्रोवाइडर, इसके अंदर क्या कौन सा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, आपके अंदर मेरे ये सारे कंपोनेंट्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी मेरे कंपोनेंट्स आपके अंदर बनेंगे वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइडर के अंदर रैप हो चुके हैं। और इससे क्या हुआ, जितने भी मेरे आने वाले कंपोनेंट्स होंगे आपके अंदर, उन सबको इस प्रोवाइडर का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने काउंटर प्रोवाइडर यहाँ पर रेंडर किया, उसके अंदर हमारे पास एक चाइल्ड है, वो है ऐप। तो काउंटर प्रोवाइडर के अंदर जो हम इस प्रॉप्स और चिल्ड्रन को रेंडर कर रहे हैं, यहाँ पर वो ऐप कंपोनेंट आ जाएगा जो ऑटोमेटिकली रैप हो जाएगा काउंटर कॉन्टेक्स्ट और प्रोवाइडर में। ठीक है, तो हमने एक रैपर बनाया, हमने खुद का एक प्रोवाइडर बनाया, और उसके अंदर जो भी हमारे पास चिल्ड्रन आ रहे हैं, जो भी उसके सब एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसको हमने काउंटर कॉन्टेक्स्ट के प्रोवाइडर से रैप कर दिया। सो दिस थिंग इज डन। ओके, अब एक काम करते हैं, एक स्टेट बनाते हैं। हम क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे जो इस एक्चुअल काउंट को होल्ड करेगा। ओके, इस एक्चुअल काउंट को होल्ड करेगा। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या किया, हमने कॉन्टेक्स्ट तो बना लिया, हमने प्रोवाइडर भी बना लिया, और हमने उसको रैप भी कर दिया। अब हमें ये स्टेट को बनाना है। ठीक है, वी हैव टू मेक द स्टेट। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टेट बनाते हैं। लेट्स से हमारे स्टेट का नाम क्या है, काउंट, और हमारे पास एक फंक्शन है सेट काउंट। करेक्ट, और इसको मैं क्या करूँगा, यूज स्टेट, और मेरी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ज़ीरो। करेक्ट, यहाँ तक ईजी। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोवाइडर के अंदर हम एक प्रॉप पास करेंगे वैल्यू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइडर के अंदर एक वैल्यू पास कर रहा हूँ, ये वो एक्चुअल वैल्यू है जो बाकी कंपोनेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम इस वैल्यू के अंदर डालेंगे वो मेरे बाकी के कंपोनेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। समझते हैं कैसे, अभी के लिए हम इसके अंदर काउंट डाल देते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैंने क्या किया, इस काउंट को यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, तो मैंने अपने प्रोवाइडर के अंदर एक चीज़ डाल दी, काउंट। अब हम अपने index.js में जाते हैं। ओके, index.js, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइडर के अंदर ऐप को रेंडर कर रहे हैं। एंड इफ़ आई गो टू app.js, अब यहाँ पर हम उस वैल्यू को यूज़ करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, कैसे, किसी भी कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक हुक चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट। सो आई वॉट आई डू, आई इम्पोर्ट यूज़ कॉन्टेक्स्ट हियर, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ओके, और हम यहाँ पर अपना कॉन्टेक्स्ट भी इम्पोर्ट कर लेंगे। तो मेरे कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या है, फ्रॉम .context/counter, एंड इसमें से हम क्या करेंगे, अपना कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट कर लेंगे। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे प्रोवाइडर को इम्पोर्ट नहीं किया है, एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट किया। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सो दिस, ये जो हमने कॉन्टेक्स्ट यहाँ से एक्सपोर्ट किया था ना, काउंटर कॉन्टेक्स्ट, इसको मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, आई विल से कॉन्स्ट, ठीक है, जो मेरी काउंटर स्टेट है, काउंटर स्टेट क्या है, जो मेरी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पड़ी है, मैं इसको बोलूँगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मैं रिएक्ट में से जो मैंने यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट किया, मैं इसको बोल रहा हूँ यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्या, काउंटर कॉन्टेक्स्ट। तो मैं इसको क्या करूँगा, अपना काउंटर कॉन्टेक्स्ट दे दूँगा। तो अब क्या हो रहा है, ये जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है, ये क्या करेगा, उसके अंदर जो स्टेट पड़ी है ना मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, काउंटर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसको रीड करके यहाँ ले आया। तो हमने क्या किया, हमने ये जो कनेक्शन था ना वो बना लिया है। ठीक है, इसको कॉन्सोल डॉट लॉग करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो ऐसे कॉन्सोल डॉट लॉग, मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या पड़ा है, तो आई विल से काउंटर स्टेट को मैं कॉन्सोल डॉट लॉक करके देखता हूँ यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको इंस्पेक्ट करेंगे, आई विल गो टू कॉन्सोल। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट, अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, सो व्हाट्स कमिंग, काउंट ज़ीरो। ये काउंट ज़ीरो कहाँ से आ रहा है, अगर मैं वापस से अपने कॉन्टेक्स्ट में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे काउंट डाला था, वो यहाँ आ रहा है। सपोज मैं इसके अंदर एक और चीज़ डाल देता हूँ, नेम पीयूष। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, तो अब आप देख सकते हो हमारे कॉन्टेक्स्ट में दो चीज़ें आ रही है, काउंट जीरो आ रहा है, नेम क्या आ रहा है, पीयूष। करेक्ट, तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या रेंडर करना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में से मैंने रीड तो कर लिया है अपने स्टेट को, तो मैं क्या करूँगा, इस काउंटर स्टेट में से, इस काउंटर स्टेट में काउंट पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस काउंटर स्टेट में से डॉट काउंट को यहाँ पर रेंडर कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो ये काउंट जीरो आ रहा है ना, ये हमारी स्टेट में से आ रहा है, ये हमारे कॉन्टेक्स्ट के स्टेट में से आ रहा है। तो अगर मैं वापस जाता हूँ और इस काउंट को यहाँ से जीरो से हटा के फाइव कर देता हूँ, तो यू कैन सी हमारे पास स्क्रीन पे फाइव आ रहा है। क्यों, बिकॉज वो अपनी अब स्टेट कहाँ से रीड कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट में से रीड कर रहा है। तो सिमिलरली हमारे पास एक मेथड है सेट काउंट, जो इस काउंट की वैल्यू को चेंज करेगा, राइट। तो इस सेट काउंट की वैल्यू भी हम अपने कॉन्टेक्स्ट में डाल देते हैं। तो मैंने क्या किया, काउंट को भी डाल दिया और सेट काउंट वाले फंक्शन को भी डाल दिया। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो टू माय कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारा काउंटर कंपोनेंट है, इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लूँगा। मैंने क्या किया, यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद व्हाट आई विल डू, आई विल इंपोर्ट माय कॉन्टेक्स्ट हियर। ठीक है, तो वो कैसे होगा, डॉट डॉट स्लैश टू डायरेक्टरी बैक, कॉन्टेक्स्ट के अंदर काउंटर,
और इसके अंदर मेरा काउंटर कॉन्टेक्स्ट है, करेक्ट। इसमें भी मैं वही सेम चीज़ कहूँगा, कॉस्ट काउंटर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट, जैसे हमने पहले किया था, और इसके अंदर मैं अपना काउंटर कॉन्टेक्स्ट डाल दूंगा। तो मैंने क्या किया, इस काउंटर कॉन्टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर ले आया, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको बना लिया यूज़ कॉन्टेक्स्ट करके, काउंटर कॉन्टेक्स्ट कर दिया। अब मेरा जो कॉन्टेक्स्ट की स्टेट है वो यहाँ आ चुकी है, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ, ऑन क्लिक पर क्या हो, इस जो ये इंक्रीमेंट वाला बटन है इसके ऑन क्लिक पर क्या हो, आई विल से कि काम कर, काउंटर कॉन्टेक्स्ट जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज़ माई कॉन्टेक्स्ट, राइट, इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है। अगर मैं काउंटर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है, यू कैन सी द स्टेट, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट की स्टेट में हमारे पास एक सेट काउंट का फंक्शन है। ये सेट काउंट का फंक्शन क्या करता है, काउंट को चेंज करता है, राइट। तो मैं इसके अंदर वाला डॉट सेट काउंट को कॉल करूँगा, ठीक है, और मुझे ऑब्वियसली इस नंबर को वन से इंक्रीमेंट करना है, राइट। तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि काउंटर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो काउंट पड़ा है उसमें ऐड वन कर दो, राइट। तो अब क्या होगा, जब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये 7 हो गया है, 8, 9, तो ऐसे ही बाकी एलिमेंट्स भी इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेम वे इसको हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, इस ऑन क्लिक को यहाँ पर भी कॉपी कर देंगे, एंड इंस्टेड ऑफ प्लस वन हम इसको क्या कर देंगे, माइनस वन कर देंगे, राइट। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, काउंट हमारा 5 है, ये 5 कहाँ से आ रहा है, काउंटर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 5 दी हुई है। अगर मैं इसको डिक्रीमेंट करता हूँ तो वो डिक्रीमेंट हो रहा है ऑटोमेटिकली, और अगर मैं उसको इंक्रीमेंट करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज यूज कॉन्टेक्स्ट, बेसिक ओवरव्यू एंड बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, ओके। तो इस एक बार इसको वॉक थ्रू करते हैं, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट बनाया। कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाते हैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके जो हम रिएक्ट में से इम्पोर्ट करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, एक प्रोवाइडर बनाया है काउंटर का। काउंटर का प्रोवाइडर हमने क्यों बनाया, सो दैट मैं अपने ऐप्स को, अपने ऐप कॉम्पोनेंट को एक्सेस दे सकूँ इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट का, ओके। तो हमने ये प्रोवाइडर बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया, जो भी इसके चिल्ड्रन है, जो भी हम इसके अंदर चाइल्ड को रेंडर करेंगे, उसको हमने रैप कर दिया कॉन्टेक्स्ट काउंटर डॉट प्रोवाइडर करके। तो क्या हो रहा है, अगर मैं इंडेक्स में जाता हूँ तो जो हमने यहाँ पर प्रोवाइडर को रेंडर किया, इसके अंदर जो ये ऐप चाह रहा है, ऐप कॉम्पोनेंट, वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा, करेक्ट। और उसके बाद हमने क्या किया, अपने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में वैल्यू डाल दी, हमने 3 वैल्यूज डाली, 1 काउंट, 2 अ फंक्शन टू अपडेट दिस काउंट, और 3 हमने बस एक टेस्टिंग के लिए नेम डाल दिया पीयूष, राइट। तो और जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर हम app.js में जाते हैं, हमने यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को इम्पोर्ट किया, ठीक है, जिससे हम कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को रीड कर सकें फ्रॉम रिएक्ट, और हमने अपने एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। तो हमने इसको बोला काउंटर स्टेट इज इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट, ओके, यूज कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, और इसमें हमने अपना एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। और जब मैंने इसको कॉन्सोल डॉट लॉग किया तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, राइट। अगर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट API नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता, सबसे पहले हमें अपनी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल काउंट है, वो इसके अंदर प्रॉप्स के थ्रू भेजना पड़ता, राइट। बिकॉज काउंटर को क्या पता कि अभी एक्चुअल वैल्यू क्या है, किस में प्लस वन करना है। उसके बाद हमें इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन भी भेजना पड़ता जिससे हम इस काउंट के वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, राइट। लेकिन एज यू कैन सी, हमने किसी भी तरह का कोई भी प्रॉप यूज़ नहीं किया है, हमने उसको डायरेक्टली, हम अगर काउंटर कंपोनेंट में जाते हैं तो हमने क्या किया, डायरेक्टली अपनी स्टेट को यूज कॉन्टेक्स्ट में से रीड किया, उसमें हमने सेट काउंट वाले फंक्शन को कॉल किया, काउंटर कॉन्टेक्स्ट के अंदर से ही हमने काउंट को रीड करके उसमें प्लस वन और माइनस वन कर दिया, ओके। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट कनेक्शन बनाया, ठीक है, और हमने किसी भी तरह की प्रॉप्स पासिंग या प्रॉप ड्रिलिंग नहीं की। सो दिस वॉज द एडवांटेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट API, ओके। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कॉन्टेक्स्ट API को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसको एक ई कॉमर्स कार्ट के प्रस्पेक्टिव से समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक कार्ट है, ओके, कार्ट में क्या होता है, मेरे पास कुछ आइटम्स होंगी, राइट, एंड मैं क्या चाहता हूँ कि अगर आप किसी आइटम पे ऐड टू कार्ट करते हैं तो मेरा जो कार्ट वाला कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए विद द लेटेस्ट आइटम्स, ठीक है। तो इस ई कॉमर्स ऐप को बनाना स्टार्ट करते हैं विद कॉन्टेक्स्ट API, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिमूव दिस काउंटर होल थिंग, ओके। तो मैं इस काउंटर को बिल्कुल यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो अब मेरे पास कुछ नहीं है, एक खाली ऐप है, राइट। एंड इंडेक्स में भी मैं क्या करूँगा, इस प्रोवाइडर को यहाँ से हटा दूंगा बिकॉज आई डोंट वॉन्ट काउंटर हेयर। अब सबसे पहले देखते हैं मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कॉम्पोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स कॉम्पोनेंट में क्या होता है, हमारे पास एक कॉम्पोनेंट बनाते हैं कार्ड आइटम, ओके। तो मैं इसको नाम क्या दूंगा, item.js. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल से इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ओके। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई विल से आइटम इक्वल्स टू,
और यहाँ पर हम किसी आइटम को रेंडर करेंगे। तो इस आइटम को हम पहले इस डिव को एक क्लास दे देते हैं, नॉट वोकैब, क्लास नेम, इसको हम दे देते हैं आइटम कार्ड। ये हमारा क्या है, आइटम कार्ड है। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम अपने आइटम का जो नेम है उसको रेंडर कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, आइटम नेम, हम यहाँ पर लिखते हैं आइटम नेम, ओके। और उसके बाद हम उसका प्राइस को भी रेंडर कर देंगे कि उसका क्या प्राइस है। लेट से अभी प्राइस, तो लेट से अभी के लिए हम यहाँ पर $10 डाल देते हैं, इट्स अ प्राइस। और यहाँ पर एक बटन होगा जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट। तो ये हमारा आइटम कॉम्पोनेंट है, लेट्स इसको, और इसके बाद हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं आइटम को, ओके। तो मैंने क्या किया, एक आइटम कॉम्पोनेंट बनाया जिसके अंदर कुछ नहीं, एक आइटम का नेम है, प्राइस है, और ऐड टू कार्ट का एक बटन है, ओके। अब क्या करेंगे हम अपने ऐप में जाते हैं, ठीक है, और इस कॉम्पोनेंट को हम यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो इम्पोर्ट आइटम फ्रॉम कॉम्पोनेंट्स आइटम, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर रेंडर करते हैं। तो हम एक आइटम रेंडर करते हैं, ओके। तो हमारे पास एक आइटम आ चुकी है, और एक काम करते हैं, सी हर बार मुझे आइटम नेम और प्राइस ऐसे रेंडर नहीं करना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डायनामिकली चेंज कर सकूँ। तो व्हाट विल बी यूजिंग, वी विल बी यूजिंग प्रॉप्स। तो हम यहाँ पर क्या रेंडर करेंगे, हम यहाँ पर रेंडर करेंगे प्रॉप्स डॉट नेम, ओके। और हम यहाँ पर क्या रेंडर करेंगे, हम यहाँ पर रेंडर करेंगे प्रॉप्स डॉट प्राइस, बस इतना ही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आइटम बनाते हैं। पहले आइटम का नेम क्या होगा, लेट्स से दिस इज़ मैकबुक प्रो, और इसका प्राइस क्या होगा, और इसका प्राइस होगा लेट्स से 1 लाख, ठीक है। तो हमारा एक आइटम आ चुका है। एक और कपल ऑफ और आइटम्स बना लेते हैं हम बना लेते हैं एक पेन ड्राइव, ओके, और लेट्स से दिस इज़ फॉर 4000, ओके। तो हमने एक पेन ड्राइव बनाया, उसके बाद हम एक और चीज़ बना लेते हैं। पेन ड्राइव के बाद लेट से हम मोबाइल बना लेते हैं, और इस मोबाइल का प्राइस लेट से 35,000, ठीक है। तो हमने क्या किया, तीन कार्ट के आइटम्स बना ली, और अल्टीमेटली मुझे एक और कंपोनेंट चाहिए, कार्ट, ठीक है, जो मेरा कार्ट को दिखाएगा कि मेरी कार्ट में क्या आइटम्स हैं और कितनी उसकी क्वांटिटी है, एवरीथिंग। तो मैं क्या करूँगा, एक कार्ट बनाऊँगा, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस कॉम्पोनेंट को नाम दूँगा कार्ट, ओके। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अभी के लिए हार्ड कोड कर देते हैं। तो मेरे पास एक डिव होगा जिसकी क्लास नेम दे देते हैं हम कार्ट, और इसके अंदर हमारे पास लेट्स से हमारे पास एल आई टैग्स होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक मैकबुक लिया, लेट्स से मैकबुक प्रो, और ये हमें दिखाएगा कि आपने लाइक कितने का आपका वो टोटल बिल बना। तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा $1 लाख, करेक्ट, इस तरह से। और सबसे नीचे जब ये सारे एलआईज खत्म हो जाएंगे, सबसे नीचे हम क्या करेंगे, एक टोटल दिखाएंगे। तो H5 में हम क्या दिखाएंगे, आपका टोटल बिल क्या होगा। तो एक H5 होगा जिसमें हम लिखेंगे टोटल बिल, और यहाँ पे हमारे पास कुछ अमाउंट आएगी, ठीक है। तो इस कार्ड को भी हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस कार्ड को भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया, एंड लेट्स इम्पोर्ट कार्ट हेयर, इम्पोर्ट कार्ट फ्रॉम कार्ट, और इस कार्ड को हम यहाँ पर रेंडर कर देते हैं। तो ये हमारी कार्ट आ चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट फोल्डर में जाऊंगा, ओके, और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा कार्ट, बिकॉज दिस इज अ कार्ट डॉट जेएसएक्स। तो ये हमारा क्या होगा, कार्ट का कॉन्टेक्स्ट होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट में से क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, राइट। सो आई विल बी इंपोर्टिंग क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हेयर। मैं अपने इस कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या दूंगा, आई विल से कार्ट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, डिफॉल्ट वैल्यू अभी के लिए नल रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसका एक प्रोवाइडर बनाऊँगा, ठीक है। तो आई विल से एक्सपोर्ट कार्ट प्रोवाइडर, इसका मैंने नाम क्या दिया, कार्ट प्रोवाइडर, आई फॉरगॉट टू पुट अ कॉन्स्ट हेयर, कॉन्स्ट कार्ट प्रोवाइडर, ओके। इसके अंदर हम क्या रिटर्न करेंगे, इसके अंदर हम कार्ट कॉन्टेक्स्ट जो हमने अभी अभी कार्ट कॉन्टेक्स्ट बनाया उसके प्रोवाइडर को रिटर्न करेंगे, और उसमें हम रैप क्या कर देंगे, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन को, ठीक है। तो हम यहाँ पर रैप कर देंगे प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन को। तो इससे क्या होगा, जो भी जब भी हम कार्ट प्रोवाइडर को यूज़ करेंगे तो ये उसको ऑटोमेटिकली कार्ट कॉन्टेक्स्ट के प्रोवाइडर से रैप कर देगा, ताकि वो हमारी स्टेट को रीड कर सके, ठीक है। अब देखते हैं हमारे जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है इसकी स्टेट कैसी दिखेगी। तो सबसे पहले यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो कार्ट में क्या होता है, हमारे पास आइटम्स होती हैं, राइट, आइटम्स, और हमारे पास एक फंक्शन होगा आइटम्स जो इस आइटम्स को सेट करने का काम आएगा, और इसको हम करेंगे यूज स्टेट। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको एक खाली एरे दे देते हैं। खाली एरे क्यों, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट मेरी कार्ट क्या होगी, खाली होगी, ठीक है। और इस आइटम्स को हम यहाँ पर डाल देते हैं, वैल्यू में हम क्या डालेंगे, आइटम्स को डाल देंगे और सेट आइटम्स को भी डाल देंगे।
ताकि हम बाकी कंपोनेंट्स में से इस सेट आइटम को यूज़ करके कार्ट के आइटम्स को चेंज कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन चुका है, कॉन्टेक्स्ट बन चुका है। अब हमें क्या करना है, लेट्स क्लोज दिस कंपोनेंट्स। अब मैं क्या करूँगा, आई गो टू माई index.js फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगा, आई इम्पोर्ट फ्रॉम .context/cart। तो सबसे पहले इसमें से हम प्रोवाइडर को इम्पोर्ट करने वाले हैं। ओके, तो प्रोवाइडर को इम्पोर्ट करके मैं अपने ऐप कंपोनेंट को इस प्रोवाइडर के अंदर ऐप कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, इस ऐप कंपोनेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं वो सब मेरे इस कॉन्टेक्स्ट को रीड और राइट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कोड आर दिस थिंग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइटम में जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, आइटम में जाते हैं और ये जो हमारा बटन है ना ऐड टू कार्ट, इसको कोड करते हैं कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये मेरे कॉन्टेक्स्ट में, लेट्स यहाँ पे समझते हैं कि सपोज अगर ये मेरा एक कंपोनेंट है तो ये इसमें इस सेट काउंट को यूज़ करके इस वैल्यू को चेंज कर सके। राइट, तो मैं क्या चाहता हूँ, जो हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया इस सेट आइटम्स को यूज़ करके इस आइटम के अंदर मुझे उस आइटम को डालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट को, बिकॉज मुझे कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना है। उसके बाद हम अपने कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर क्या करेंगे, इम्पोर्ट कर लेंगे। कहाँ से इम्पोर्ट करेंगे, टू डायरेक्टरी बैक, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कार्ट में से हम अपने कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सपोर्ट हेयर एज वेल और बैक टू आइटम। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कार्ट कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट कर लिया। अब लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे कार्ट इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट और इसके अंदर हम अपना एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। ठीक है, इसको कॉन्सोल डॉट लॉग करके देखते हैं क्या आ रहा है, कॉन्सोल डॉट लॉग कार्ट क्या आ रहा है, कार्ट। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ एंड आई गो टू कॉन्सोल, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर आइटम्स एक खाली एरे और मेरे पास एक सेट आइटम्स है जो इस आइटम को चेंज करने के काम आएगा। राइट, तो ठीक है, तो हमें सेट आइटम्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जब इस बटन पर क्लिक होगा तो मैं एक फंक्शन रन करूँगा। ये फंक्शन क्या करेगा, कार्ट में से सेट आइटम्स को कॉल करेगा, सेट आइटम्स। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अपनी कार्ट में उस आइटम को अपेंड करना है। राइट, आइटम को पुश करना है उस आरे में, तो मुझे पहले एग्जिस्टिंग आइटम्स चाहिए। तो एग्जिस्टिंग आइटम्स कैसे आएंगे मेरे पास, मैं उसी कार्ट में से इम्पोर्ट कर लूँगा। तो ऐसे एक एरे जिसमें पहले हम जो अभी तक हमने जो डाला उसको डाल देते हैं, तो कार्ट डॉट आइटम्स। ओके, और इसके अंदर हम अपनी एक्चुअल आइटम को भी पुश कर देते हैं। तो हम क्या डालेंगे, एक तो हम इसका नेम डाल देते हैं जो हमारे पास प्रॉप्स में आ रहा है, प्रॉप्स डॉट नेम, और एक हम क्या डाल देंगे, इसका प्राइस डाल देंगे जो हमारे पास प्रॉप्स में आ रहा है, प्रॉप्स डॉट प्राइस। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑन क्लिक पे कार्ट जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसमें से हमने सेट आइटम्स फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, ये सेट आइटम्स कहाँ से आ रहा है, ये वाला सेट आइटम्स जो हमने यहाँ पे वैल्यू में पास किया, इसको हमने कॉल किया। एग्जिस्टिंग आइटम्स को इसमें पहले कॉपी कर दिया और एट द एंड हमने खुद की एक न्यू आइटम क्रिएट कर दी जिसका नाम हमने क्या दिया, जो भी हमारे पास प्रॉप्स डॉट नेम आ रहा है, और हमने इसकी प्राइस भी डाल दी प्रॉप्स डॉट प्राइस में। ओके, लेट्स रिमूव दिस कॉन्सोल डॉट लॉग फ्रॉम हेयर। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है, जब मैं इस ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। ऐड टू कार्ट पे मैंने क्लिक किया, ओके, हमने कॉन्सोल डॉट लॉग हटा दिया, सॉरी, कॉन्सोल डॉट लॉग कार्ट कार्ट। ठीक है, तो अब देखना अब क्या होगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैकबुक प्रो में। अभी आप देख सकते हैं मैंने एक बार क्लिक किया था तो वो यहाँ पर आ रहा है आइटम, मैकबुक प्रो आ रहा है। अब हम इस पेन ड्राइव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पेन ड्राइव पे क्लिक किया हमारे पास ये कॉन्सोल डॉट लॉग हुआ और अब हमारे पास आइटम्स कितनी हो चुकी हैं, दो। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ओके, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो नाउ आई हैव मैकबुक प्रो और मेरे पास पेन ड्राइव भी है। तो हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपना डेटा सही से सेंड कर पा रहे हैं। राइट, अब हमें क्या करना है, उस डेटा को रीड करके इस कार्ट में रेंडर करना है। तो लेट्स गो इन कार्ट, ओके, नॉट द कॉन्टेक्स्ट, द कार्ट कॉम्पोनेंट। तो कॉम्पोनेंट के अंदर कार्ट, ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एक H1 लगा देते हैं कि ये हमारे कार्ट है, यहाँ से कार्ट शुरू हो रही है। तो दिस इज आर कार्ट। अभी हमने क्या किया हुआ है, इस कार्ट को यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है, वी डोंट वॉन्ट दिस, करेक्ट। तो मैं इसको हटा देता हूँ और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट कर लेंगे जैसा हम अब तक करते आ रहे हैं। और हम यहाँ से क्या इम्पोर्ट करेंगे, हम अपना एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट को भी यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेंगे। तो वो कहाँ से मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट कार्ट, और मैंने क्या किया, कार्ट कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे कॉन्स्ट मेरे कार्ट इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट और इसके अंदर हम अपना कार्ट कॉन्टेक्स्ट दे देंगे। ठीक है,
तो इससे क्या हुआ, मेरी कार्ड कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर भी, मेरी कार्ड की जो वैल्यूज़ है जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टेट पड़ी है वो यहाँ पर भी आ गई। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डायनामिकली रेंडर करूँगा। तो ऐसे अगर कार्ट है और कार्ट के अंदर आइटम्स भी हैं, करेक्ट आइटम्स हैं, तो उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, डॉट मैप करूँगा, हर आइटम के ऊपर लूप करूँगा। और हर आइटम के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल से एक li टैग रेंडर कर दो, ठीक है, एक li टैग। और इस li के अंदर व्हाट आई वांट टू से, एक तो आइटम डॉट नेम को रेंडर करो, राइट, आइटम डॉट नेम को रेंडर करो। एज यू कैन सी मेरे पास दो आइटम्स आ रही हैं, और साथ ही में उसका प्राइस भी रेंडर कर देते हैं। तो व्हाट इज़ दैट, आइटम डॉट प्राइस, करेक्ट, तो उसका प्राइस भी आ गया। तो एक काम करते हैं, इस ऐप को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी मेरी कार्ट क्या है, एम्प्टी है, करेक्ट। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मैकबुक प्रो पे, तो मैकबुक प्रो वाला कंपोनेंट जो हमारा आइटम कंपोनेंट है वो क्या करेगा, इस कार्ट के अंदर, इस कॉन्टेक्स्ट के स्टेट के अंदर इस आइटम को डाल देगा। दो आइटम, दो प्रॉपर्टीज डालेगा, एक तो नेम डाल देगा और एक प्राइस डाल देगा, राइट। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मेरी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये दोनों आइटम्स चली जाएंगी, और कार्ट कंपोनेंट के अंदर क्या होगा, इस आइटम डॉट नेम और आइटम डॉट प्राइस को मैं यहाँ पे फेच कर लूँगा, ठीक है। और मैंने शुरू में एक बात बताई थी, जब भी हमारा कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, जहाँ जहाँ भी जो जो कंपोनेंट उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है वो रीरेंडर हो जाता है, ठीक है। तो जब ये आइटम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपनी वैल्यू को डालेगी, करेक्ट, तो ये हमारी जो कार्ट है ये ऑटोमेटिकली रीरेंडर हो जाएगी विद द न्यू वैल्यू, ठीक है। इसको देखते हैं, तो मैंने मैकबुक प्रो पे क्लिक किया, तो क्या हुआ, मैकबुक प्रो पे क्लिक करने पे मेरी आइटम कार्ट में गई, कॉन्टेक्स्ट में गई, और इस कार्ट ने अपने आप को रीरेंडर किया, बिकॉज ये भी इसके ऊपर डिपेंडेंट था और इसके अंदर मेरी न्यू वैल्यू आ गई, राइट। अगर हम इस मोबाइल को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, मोबाइल भी ऐड हो जाएगा हमारे कार्ट में, और उसके बाद हम इस पेन ड्राइव को क्लिक करते हैं तो हमारी पेन ड्राइव भी ऐड हो गई, ओके। अब हमें क्या दिखाना है, इस टोटल को दिखाना है, वी हैव टू शो दिस टोटल हियर, ठीक है। तो टोटल हम कैसे कर सकते हैं, हम टोटल यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉस्ट टोटल, ठीक है, टोटल कैसे कैलकुलेट होगा, कार्ट के आइटम्स को ले लेते हैं, आई विल से कार्ट की जो आइटम्स हैं उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, आई विल कॉल दी रिड्यूस फंक्शन, ओके, रिड्यूस फंक्शन ए एंड बी, आई विल से ए में ऐड कर दो बी डॉट प्राइस, ओके, बी डॉट प्राइस, एंड इनिशियली क्या होगा, जीरो। सो नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन हैव दिस टोटल एंड आई कैन रेंडर इट हियर। तो अब मेरा टोटल आ रहा है, राइट, रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, दिस मैकबुक प्रो को हम अपने कार्ट में ऐड करेंगे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा मैकबुक प्रो ऐड हो चुका है और मेरा टोटल बिल भी सही बन रहा है। उसके बाद जैसे ही मैं इस पेन ड्राइव को ऐड करूँगा कार्ट में, तो क्या हुआ, मेरी पेन ड्राइव भी ऐड हो गई अब मेरी कार्ट में, और मेरा बिल भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, ठीक है। ये रिड्यूस मेथड कैसे काम करता है, दिस इज जावास्क्रिप्ट डिटेल, चलो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। इसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, ए एंड बी, ठीक है। ए की इनिशियल वैल्यू हमने जीरो दिया, जो भी हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं वो इसकी इनिशियल वैल्यू होती है ए की, और हर बार हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर लूप करके हर ऑब्जेक्ट के प्राइस को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने हर ऑब्जेक्ट के, हर आइटम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्लस कर दिया और हमारा टोटल बन गया, और उस टोटल को हमने यहाँ पे रेंडर कर दिया, ठीक है। अब हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। इफ़ आई गो टू कॉन्सोल, तो एज यू कैन सी हमारे पास कार्ट का ये कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर हमारे पास दो आइटम्स हैं, ओके। तो फर्स्ट वन इज़ मैकबुक प्रो जो हमारा यहाँ पर रेंडर हो रहा है, सेकेंड वन इज़ पेन ड्राइव जो यहाँ पर रेंडर हो रही है, एंड हमने दोनों का टोटल करके यहाँ पर रेंडर कर दिया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द कॉन्टेक्स्ट API इन React, ओके। सो दिस वॉज आर कॉन्टेक्स्ट API, ठीक है। अब हम देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेज जो हमें फॉलो करनी चाहिए कॉन्टेक्स्ट API में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक फोल्डर बनाया कॉन्टेक्स्ट का, विच इज़ एब्सोल्यूटली फाइन, और इसमें हमने car.jsx को बनाया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर हम अपने कॉम्पोनेंट्स में जाते हैं, हम सबसे पहले यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट करते हैं, राइट। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट करते हैं React में से, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने कार्ट कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट वाले फोल्डर में से, और फिर इस यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस कार्ट कॉन्टेक्स्ट को डाल देते हैं, और इसको हम इक्वल कर देते हैं कार्ट के। दिस इज़ हाउ वी रीड द कॉन्टेक्स्ट, राइट। बट ये चीज़ थोड़ा सा पेनफुल है, राइट, हर बार मुझे पहले यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे कार्ट कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा कार्ट में से। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट यू शुड डू, हम अपने कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे वापस, मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक फंक्शन एक्सपोर्ट करूँगा। तो आई मेक अ फंक्शन, आई मेक अ हुक, एक्चुअली इट्स नॉट अ फंक्शन, मैं खुद का एक हुक बनाऊंगा, इस हुक का हम नाम दे देते हैं यूज़ कार्ट, ठीक है, बिकॉज ये कार्ट का कॉन्टेक्स्ट है, तो मैंने इसका नाम क्या दिया, यूज़ कार्ट, ठीक है। ये क्या है, एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्ट बनाएंगे, मतलब मैं अगर कॉम्पोनेंट्स में जाता हूँ, मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इस लाइन को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, राइट। तो मैंने क्या किया, जो लाइन हम यहाँ पर ये यूज़ कर रहे थे, मतलब यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ये हम कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे थे, React में से,
और कार्ट कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे, तो मैंने क्या किया इस कार्ट कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर डाल दिया, तो इससे क्या हुआ मेरी कार्ट का जो स्टेट है वो यहाँ आ गया। उसके बाद व्हाट आई विल डू, आई विल से रिटर्न कार्ट। ओके, बेसिकली यहाँ पर दोनों चीज़ों को इंपोर्ट करने के बजाय मैंने उन चीज़ों को यहीं पर क्लब कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन रिमूव दिस यूज कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम हेयर। ओके, मुझे इस चीज़ और मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिर्फ यूज कार्ट को इंपोर्ट कर लूँगा, और व्हाट आई कैन डू, मैं इस यूज कार्ट को बस डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले हम यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर रहे थे, फिर कार्ट को इंपोर्ट कर रहे थे, तो सीधा ही मैंने यूज कार्ट को इंपोर्ट कर लिया। और ये थोड़ा सा रीडेबिलिटी में अच्छा लग रहा है, मुझे पता लग रहा है कि ठीक है ये जो कार्ट है ना ये कुछ कार्ट के साथ कर रहा है। पहले क्या कर रहे थे हम, कार्ट कॉन्टेक्स्ट को उसके अंदर इंजेक्ट कर रहे थे, विच वॉज अ लिटल बिट पेनफुल आई नो, तो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस दैट यू शुड डू। तो सिमिलरली आइटम में भी हम क्या करेंगे, हम यूज कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से हटा देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे यूज कार्ट को यहाँ से इंपोर्ट करके और हम इसको यहाँ पर रेंडर कर देंगे। ठीक है, दिस इज़ अ फंक्शन। ओके, तो अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हर चीज़ सही चल रही है। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, कार्ट में ऐड हो रही है, अगर मैं इसको भी ऐड करता हूँ तो हमारा टोटल भी सही से कैलकुलेट हो रहा है और हमारी पेन ड्राइव भी ऐड हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वहाँ पर जो हम लाइन ये हर कंपोनेंट में रिपीट कर रहे थे हमने उसे यहाँ बना दिया, और हमने खुद का हुक बना लिया यूज़ कार्ट। ओके, और हमने इस यूज़ कार्ट हुक को हर जगह यूज़ कर लिया। सो दैट वॉज ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट API, एंड आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट API बहुत ईजी लगा होगा एंड आपको कॉन्टेक्स्ट API के फ़ायदे भी पता लग गए होंगे, राइट, दैट वाई कॉन्टेक्स्ट API इज सो पावरफुल। ओके, तो दिस वॉज आर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमें कॉन्टेक्स्ट API क्यों चाहिए, प्रॉप ड्रिलिंग ना हो, और हमने उसको कैसे सॉल्व किया, हमने अपनी स्टेट को कॉम्पोनेंट में से हटा के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रख दिया, और जितने भी हमारे कॉम्पोनेंट्स थे हमने उसे प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दिया, सो दैट दे कैन एक्सेस दिस कॉन्टेक्स्ट स्टेट, और हर कॉम्पोनेंट इसी कॉन्टेक्स्ट के स्टेट को रीड कर रहा है, इसी कॉन्टेक्स्ट के स्टेट को राइट कर रहा है, और हेंस इससे हमारी जो स्टेट मैनेजमेंट है वो बहुत ईजी हो रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट React Context API। इस वीडियो में हमने React Context के बारे में पढ़ा, हमने दो examples के साथ React Context API को कोड किया, और हमने देखा कैसे React Context API हमारे स्टेट मैनेजमेंट को बहुत ईजी बना देती है, राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी और एनी कन्फ्यूजन इन दिस वीडियो आप मुझे वो भी कॉमेंट्स में बता सकते हैं, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।